नमस्ते टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक छोटा सा है और कंफ्यूजिंग भी बहुत है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। और इसमें से मोस्टली क्वेश्चन बनते जो टॉपिक्स में लेकर आ रही हूँ, ये मोस्ट मतलब टॉपिक्स ऐसे हैं कि इनमें से एक क्वेश्चन बनता ही है। अभी हमारा छोटा विभिन्न उपकरण द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण छोटा सा टॉपिक है, ये है मेन जो इम्पोर्टेंट है, यही आते हैं घूम फिर कर अगर पूछे जाते हैं तो यही पूछे जाते हैं। लेकिन इनमें कन्फ्यूजिंग है कि किससे क्या कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो चलिए देखते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है हमारा माइक्रोफोन, तो इसमें हमारा फोन वर्ड आता है, तो फोन में अगर हम देखें तो हमें आवाज़ आती है, आवाज़ को हिंदी में कहते हैं ध्वनि। तो इसको हम अगर कहें तो ध्वनि, यह हमारा कंप्लीट हुआ कि ध्वनि ध्वनि से संबंधित है। फिर आगे मोस्टली ऊर्जा का रूपांतरण या तो विद्युत में होगा या यांत्रिक, तो ध्वनि तो आ गया। ध्वनि है तो इसका जो इससे उत्पन्न होती है या इसका रूपांतरण जो होता है वो विद्युत ऊर्जा में होता है, विद्युत ऊर्जा में होता है। तो ध्वनि का ऊर्जा, ध्वनि का विद्युत ऊर्जा में मतलब विद्युत ऊर्जा समझते हैं लाइट, एक लाइट एक करंट उस तरह से आता है उसमें रूपांतरण इसका होता है। माइक्रोफोन ध्वनि, एक आवाज एक साउंड, तो पहले ध्वनि। ठीक इसका उल्टा होता है लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर जब हम सुनते हैं लाउड स्पीकर में से भी आवाज़ आती है, लेकिन लाउड स्पीकर चलता कब है, जब हम उसे लाइट से कनेक्ट बिजली से या लाइट से विद्युत, विद्युत भी लाइट या बिजली को कहा जाता है, जब हमें लाइट से कनेक्ट करते हैं तब लाउड स्पीकर में आवाज़ आएगी। इस तरह से अपने आप उसमें आवाज़ नहीं आती, तो इसमें क्या होता है पहले हम लाइट करेंगे विद्युत या बिजली, आसान से शब्द में बिजली या लाइट, हम बिजली का इसका विद्युत का होता है ध्वनि में का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, सिंपल सा हो गया। फिर हमारा होता है डायनेमो, तो डायनेमो एक यंत्र होता है, यंत्र है तो डायनेमो एक यंत्र, तो शुरू में क्या है यांत्रिक, अब एक यंत्र है और ये इस यंत्र से क्या पैदा होता है, कंपन होता है लाइट एक बिजली, तो विद्युत ऊर्जा में जाएगा इसका का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। इन वर्ड से समझ लेना चाहिए कि किस बारे में बात कर रहे हैं हम, तो आगे वो खुद ही निकल के आ जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट है विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर में तो ऑलरेडी विद्युत पहले आ ही रहा है, तो क्यों नाम पहले इसी को लिख दे विद्युत। अब विद्युत मोटर से जब हम कोई मोटर चलाते हैं या हम समझ लें सिंपल जनरेटर होता है, मोटर चलाते हैं हम, कोई बिजली की मोटर चलती है तो उससे बिजली ही, अगर हम कोई मोटर चला रहे हैं तो बिजली ही चलती है, उससे बिजली ही उत्पन्न होगी। किसी जैसे बहुत से चारा काटने की मशीन होती है तो बिजली होती है उसमें, बिजली चलाएंगे फिर वो मशीन चलती, तो क्या चला है कि यंत्र चला, तो विद्युत से हमने विद्युत की मोटर से हमने चारा काटने की मशीन चलाई है, मशीन चारा काटने की मशीन एक यंत्र है, तो यांत्रिक ऊर्जा मान समझ लीजिए। जो सीधे सरल शब्दों में इसी तरह से बोलेंगे, बाकी साइंस की लैंग्वेज तो बहुत अपर है बहुत हाई है, तो विद्युत मोटर विद्युत का यांत्रिक यानी कि एक यंत्र में ऊर्जा उत्पन्न होगी, समझ लीजिएगा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होगा इसका। अब सौर सेल तो आजकल हर कोई जानता है, सौर सेल मतलब सोलर पैनल, जो धूप से आपने देखा होगा बड़ी ब्लैक सी वो होती है, चौकोर सी ब्लैक सी प्लेटें होती हैं, वो सौर सेल रहती है, सूरज की रोशनी से आजकल मोस्टली सभी में गांव शहर में मिल रहे हैं कि सौर सेल से हम चार्ज कर रहे हैं इन्वर्टर वगैरह। तो सौर सेल से क्या होता है, सौर सेल क्या है, एक प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश किसका, सूरज का प्रकाश आएगा, सौर सेल में सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश से संबंधित है, तो प्रकाश ऊर्जा होता है जब भी तो वो चार्ज होते हैं, धूप नहीं निकलेगी तो वो चार्ज नहीं होगी, सूरज का प्रकाश होगा तो वो प्लेटें चार्ज होती हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, तो प्रकाश ऊर्जा का फिर हम क्या करते हैं उसमें, उसमें प्रकाश या उष्मा उत्पन्न होती है, प्रकाश ऊर्जा सौर सेल का है, फिर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, सॉरी सौर सेल पढ़ रहे हैं हम, तो प्रकाश ऊर्जा का हमारा किसमें रूपांतरण होगा, विद्युत में, क्योंकि हम लाइट ही तो इन्वर्टर अपने इन्वर्टर वगैरह ही तो चार्ज करते हैं या कोई भी बैटरी चार्ज कर ली, तो विद्युत चार्ज विद्युत ऊर्जा में,
सौर सेल की प्लेटें इसीलिए होती है कि हम कुछ चार्ज कर सके, बैटरी है किसी का, इन्वर्टर है, लाइट के लिए ही करते हैं हम, रोशनी के लिए करते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट होता है बल्ब। बल्ब सभी के घरों में होते हैं। तो बल्ब जो है लाइट से चलता है, सिंपल सी बात है। बल्ब किससे चलेगा? लाइट्स। तो पहला पॉइंट क्या आएगा हमारा? विद्युत या बिजली या लाइट। अब बल्ब से मिलता क्या है हमें? मिलता क्या है? तो रोशनी मिल रही है, जो रूम में लाइट जल रही है उससे मुझे रोशनी मिल रही है, और इसे गर्माहट भी मिलती है। जो पहले भी येलो वाले बल्ब चलते थे, अब तो वाइट आ गई, सीएलएफ आ गई है। पहले आपने देखे होंगे बच्चे जो देखते हैं येलो येलो वाला बल्ब देखते थे, उनसे बहुत गर्माहट, 0-100 वाट का बल्ब जलाओ और कमरे में गर्माहट हो जाती है, और इनसे भी गर्माहट ही मानी जाती है। तो क्या विद्युत ऊर्जा का, एक तो हमें लाइट दे रहे हैं प्रकाश, और ये हमें ऊष्मा भी देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं गर्माहट करते हैं रूम में। अगर रूम है तो मोस्टली रूम में बंद रहता है, तो गर्माहट इनके बल्ब पे हाथ लगाइए लाइट पे तो गर्म रहती है, तो हमें ऊष्मा मिलती है प्रकाश में। ऊष्मा ऊर्जा इनका रूपांतर प्रकाश में ऊष्मा ऊर्जा में। नेक्स्ट होता है सितार। अब सितार क्या है? एक यंत्र है। सितार हो, गिटार हो, कुछ भी इस तरह के ढोलक तबला, ये जो यंत्र होते हैं, इस तरह के सितार क्या है? एक यंत्र है, और इससे क्या निकलती है? एक आवाज निकलती है, साउंड निकलती है। तो जब हमने सितार बजाया तो क्या निकली? ध्वनि। तो सिंपल सा है, हमने एक यंत्र को बजाया तो यांत्रिक ऊर्जा होगी, और क्या निकला उसमें से? ध्वनि निकली, आवाज निकली, तो ध्वनि ऊर्जा में इसका रूपांतरण होगा। बहुत सिंपल है। फिर इंजन है। इंजन में ऊष्मा होती है, और हम किसी यंत्र को उससे चलाते हैं। जब हम कोई इंजन चलाते हैं उसके अंदर ऊष्मा होती है, भाप से भी निकलती है, उसके पास देखो जाकर तो भाप से निकलती है, धुआं भी निकलता है बहुत से उसमें, तो ऊष्मा निकलती है, भाप होती है, गर्माहट होती है उस मोटर इंजन जो होता है उसके अंदर, और उससे हम यंत्र चलाते हैं। तो इसका ऊष्मा ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो यांत्रिक ऊर्जा में होता है। जब हम कोई इंजन चलाते हैं तो ज़्यादातर हम इन्वर्टर वगैरह ये लाइट के लिए चलाते हैं, तो इसका यांत्रिक ऊर्जा में कोई यंत्र चलता है इसलिए यांत्रिक ऊर्जा में इसका रूपांतरण। यही आते हैं, यही मेन है। इससे ज़्यादा आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो पर कंपटीशन वाले जो हैं लेवल के, इनको जरूर पढ़िएगा, ये मेन है। बाकी आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ सकते हैं, बाकी ये ऐसे नहीं है कि इन्हें आप छोड़ सकते हैं, ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट। थैंक्स ऑल ऑफ यू।